खंडवा शहर के नजदीक हापला दीपला गांव के जंगल में हुए किसान की विभत्स हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हत्या के चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांव का ही व्यक्ति इस वारदात का मास्टरमाइंड था। 15 नवंबर 2020 को थाना कोतवाली में आसिफ ने सूचना दी कि उसके पिता शरीफ मंसूरी रात 12:30 बजे खिड़गांव के आगे खेत में पानी डालने गए थे। मुंशी के खेत के पास आम रोड पर मृत अवस्था में पड़े हैं। इस सूचना पर प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक खंडवा विवेक सिंह को मिलते ही उन्होंने टीम गठित की। मुखबिर की सूचना पर ग्राम हापला के कुछ संदिग्ध लोगों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। संदीप पिता मनोहर असलकर उम्र 21 साल निवासी ग्राम दीपला, शुभम पिता महेश शिवदेव उम्र 18 निवासी ग्राम हापला, पवन पिता खुमान सिंह सोलंकी उम्र 24 साल निवासी ग्राम हापला, आनंद पिता जय सिंह मंडलोई उम्र 24 साल निवासी ग्राम हापला से पूछताछ की गई तो उन्होंने हत्या करना स्वीकार कर लिया। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि हत्या ग्राम हापला दीपला में पूर्व में हुए दो समुदायों के मध्य विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर बदला लेने के उद्देश्य से की गई। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। कौन आरोपी है? दिनांक 14-15 की दरमियानी रात में एक व्यक्ति जिसका नाम शरीफ पिता मंगू है, उसकी डेड बॉडी ग्राम हापला दीपला के खेत के रास्ते पे मिली थी, जिसमें पुलिस ने उसमें 302 का अपराध इसमें पंजीबद्ध किया था और अपराधियों की तलाश की गई, जिसमें चार आरोपी पवन, शुभम, संदीप और आनंद, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा हत्या करना कबूल किया गया। इनके द्वारा एक फरसा और पिस्टल के द्वारा इस घटना को कारित की गई है। और इसमें जो विगत दिनों में ग्राम में दो समाज में विवाद हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उसका बदला लेने के लिए इस प्रकार घटना कारित की गई। सर, किसी को क्यों टारगेट किया गया या पहले मामले में कोई इन्वॉल्व है? वो सारी चीज़ विवेचना के पार्ट है। इसमें पवन जो गिरफ्तार हुआ वो मेन सूत्रधार, वही अभी तक आया है। गाँव में शांति बनी रहा, इसको लेकर पुलिस क्या? इसमें हमने लगातार वहाँ पे पेट्रोलिंग बल बढ़ा दिया गया है, लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं। दोनों समाज इसमें चाह रहे हैं, इसमें कुछ ही लोग हैं ऐसा जो इस प्रकार का वातावरण निर्मित कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बाकी 99% जनता वहाँ पे शांति चाहती है, तो उसमें जो अच्छे अमन पसंद लोग हैं उनको जोड़ के इसमें हम वहाँ की शांति के लिए हम आगे और व्यवस्था करेंगे। सर, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टें होती रहती हैं, उसको भी आप? बिल्कुल, समय समय पर जब भी पोस्ट हुई है उसमें कार्रवाई की गई है, आगे भी इसमें कड़ी कार्रवाई, अगर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट किसी भी समाज और किसी की उसके खिलाफ की जाएगी तो उसमें तत्काल उसमें कार्रवाई की जाएगी और FIR करके उसमें अग्रिम कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।